इस वक्त हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री प्रणदेव जी हैं। सर, आज के फैसले को किस तरह आप देख रहे हैं? संपूर्ण हिंदू समाज बहुत खुश है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, एक सत्य अभी प्रस्तापित हो गया है कि जिसके लिए सैकड़ों वर्षों से हिंदू समाज प्रयास कर रहा था, और इसलिए आनंद का समय है बहुत। उस दिन ओबीसी ने कहा है कि सरकार 500 एकड़ भी जमीन दे तो हमें मंजूर नहीं है मस्जिद के लिए। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक अच्छा योग्य निर्णय दिया है, और वो जमीन उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए दिए है। अभी उनको सोचना है उसके बारे में क्या करना है। ओबीसी तो विरोध कर रहे हैं। ओबीसी, मुझे लगता है इस कोर्ट के किसी भी इसमें पार्टी नहीं थे। वो लेनी है कि जमीन नहीं लेनी है तो उनको सोचना है, सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन वो मुस्लिम पक्षकार और मुस्लिम जनता को अपील कर रहे हैं कि नहीं लें मस्जिद के लिए। दैट यू हैव टू आस्क ओबीसी जी। लेकिन जो फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट को, उससे आप खुश हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि यह जमीन हिंदुओं की है, राम जन्मभूमि की और राम मंदिर बनेगा, ये सारे फैसले हिंदू के लिए, जो हिंदू ने श्रद्धा रखी है, हिंदू ने जो सेक्रीफाइसेस किए, त्याग बलिदान किया है, जो प्रयास किए, उसके लिए बहुत अच्छा फैसला ये आया है। तो ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री पांडे जी। कैमरामैन अवधेश के साथ केशव कुमार झा, HS न्यूज, दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।